इधर कल सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले एनपीआर एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास किया गया। इधर विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर की अध्यक्षता में सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। गिलोटीन द्वारा बचे विभागों के अनुदान मांग पास किए गए। इधर सरकार ने विधानसभा में एनपीआर एनआरसी लागू नहीं करने का विधेयक पारित किया। इसका बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में आए। इसके बाद विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने कहा है कि ये छल किया गया है, हम किसी भी हालत में बांग्लादेशी को झारखंड में प्रवेश नहीं करने देंगे। सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जो भी जानकारी मांगी जाए, जिनके पास जो है वो दे सकता है, और जिनके पास नहीं है तो वो नहीं देंगे। उस कारण से किसी को डाउटफुल में नहीं डाला जाएगा, स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री ने कहा। और उसके बाद अगर प्रस्ताव संकल्प इस प्रकार से लाना, ये सिर्फ वोट के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। वही सत्ता पक्ष ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार का एनपीआर का हूबहू लागू किया जाता है तो इसमें दलित और आदिवासियों को काफी दिक्कत होगी, लिहाजा हमारी सरकार ने बेहतर फैसला लिया है। नहीं देखिए, मैटर वोट बैंक की राजनीति का बात नहीं है। आप बताइए ना, जो हमारे गरीब लोग हैं, यदि हमारे जो गरीब हैं, या मुझसे कहा जाएगा कि तुम्हारे दादा का खतियान लाओ, तुम्हारे पिताजी का पूरा पता बताओ, पूरा उनका जन्म कुंडली बताओ, तो जब मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे दादा नहीं हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से इनको जो है कि इनको पूरी सूची देगा? जनसंख्या सूचकांक में तो पूरी सूची है ही, तो आखिर इस तरह का हम ये कहें कि आप इस तरह का राजनीति कर रहे हैं जो कि वोट बैंक से प्रभावित है, और ना आप उसमें राष्ट्रीयता और ना मानवता और ना आप जो है इस भारत की गंगा जमुनी तहजीब का ध्यान रख रहे हैं। वही पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, हमारे इस फैसले से सभी को राहत होगी। यार एनआरसी सीए इस सभी एक चीजें हैं, प्रथम चरण का एनपीआर के माध्यम से कहीं ना कहीं इस राज्य का, देश का सबसे गरीब आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, भूमिहीन सभी लोगों को आहत करने वाला है। और आपने देखा है कि इस विषय को लेकर कई राज्यों के भी अपने अपने विचार आए हैं। राजहित में ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यहां एनपीआर जो होगा 2010 के तर्ज पर होगा। कुल मिलाकर कहें तो हेमंत सोरेन ने अपना वादा पूरा किया है जो उन्होंने अल्पसंख्यकों से किया था, लेकिन बीजेपी स्थानीयता को केंद्र का मुद्दा बता रही है, साथ ही राज्य सरकार के आज के फैसले का विरोध कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी आगे इस मसले को लेकर क्या रणनीति तय करती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अविनाश के साथ विपिन की रिपोर्ट।